बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। यूपी में 11 सीटों पर नतीजे सामने आ चुके हैं और आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल पाई। इसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती का भी अपना पहला बयान सामने आ चुका है। आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि बीजेपी ने जानबूझकर बहुजन समाज पार्टी को खराया है ताकि मनोबल कार्यकर्ताओं का तोड़ा जा सके। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कुछ ही सेकंड पहले अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए लिखा है कि यूपी विधानसभा आम चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी के लोगों का मनोबल गिराने के षड्यंत्र के तहत बीजेपी द्वारा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की कुछ सीटें जिताने व बीएसपी को एक भी सीट नहीं जीतने देने को पार्टी के लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं। वह इनके इस षड्यंत्र को फेल करने के लिए पूरी जी जान से तैयारी करके फिर से जुटेंगे। आपको बता दें कि एक सीट का जिस दिन उपचुनाव के नतीजे आए थे उस दिन भी बसपा सुप्रीमो मायावती ने इसी तरीके का बयान जारी किया था। अपने ट्विटर अकाउंट से लिखते हुए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मदन कुमारी मायावती ने बीजेपी पर सीधा निशाना साधा है और सपा की जीत को भी सिर्फ नौटंकी बताया है।